वादा किया हुआ था और वीडियो थोड़ी लंबी हुई थी इसलिए मैंने वहाँ पर उसको ओवर कर दिया था। अब आ जाए खवातीन के फैशन पे। खवातीन के फैशन और खवातीन की जो जैकेट्स हैं वो भी कोई कम नहीं होती। वैसे मैं आपको बता दूँ, खवातीन की एक आदत होती है, वो अपने लिबास भी बहुत ज़्यादा फर्श करती हैं। तो भी खवातीन जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है अच्छा दिखने का, अच्छा लगने का, उनके लिए भी वही वाला फंडा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो भाई यहाँ पर हम मालूम करेंगे अमर भाई के साथ कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी अच्छी जैकेट्स हैं खवातीन के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि रेंज क्या है और आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है। चले मेरे साथ। और ये जो है वैसे महंगी होती है ना, तकरीबन 40-50 हजार की होती है। अगर आप मेरी दुकान पे आएंगे तो तकरीबन आपको 30-35 हजार की। ठीक है, उसके अलावा किड्स की भी जैकेट है बचकाना, तो देखिए आप आपको कलर मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, कलर बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे कलर मिल जाएंगे। उसके अलावा सारा बॉक्स लगा हुआ। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये ओरिजिनल कैट की है। मैं नहीं करें यार। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। सच में? बिल्कुल बिल्कुल जी। मरी हुई बिल्ली? हाँ। अच्छा यार बेटे, अल्लाह उमर भाई बिल्ली कौन पहनता होगा? हमारे पास ऑनर आते हैं लेकिन अच्छा ओके। और उसके अलावा ये देखिए, ये माइनस के लिए कैप वगैरह है, ये भी वही जेन्युइन फर है। ठीक है, और अंदर लेदर, ये ऊपर जो लेदर लगा हुआ है ओरिजिनल है, अंदर जेन्युइन फर है। ठीक है, इसमें आपको कलर वगैरह मिल जाएंगे काफ़ी सारे और डिज़ाइन भी मिल जाएंगे मुख्तलिफ। अच्छा इसमें देखिए दो पॉकेट है ना, आप इसमें सामान वामान आराम से कैरी कर सकते हैं। ये इसका शोल्डर स्ट्रैप है। ठीक है, उसके अलावा ये दो जिप है, ये भी, ये अंदर भी एक जिप है। उसके अलावा ये छोटे भी है, बड़े भी, मुख्तलिफ साइज है। उसके अलावा डफल बैग भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है। ठीक है, यार ये डफल बैग जो है ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मुझे पता है डफल बैग्स की क्या प्राइस क्या है? क्यों इसमें पॉकेट है इसलिए ज़्यादा महंगा? और ये डफल बैग जो है इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है? तकरीबन आपका आ जाएगा ये असल में केबिन साइज होता है। ये है ना, ये भी डफल बैग की बड़ी एज अ ट्रैवलर मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है। आप एक दफा खरीदें तो ये काफ़ी ज़्यादा तो आप आराम से ला सकते हैं। एक बंदे का सामान से एक डफल बैग में बहुत आराम से आ सकता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई ट्रैवलर है या कोई खातून फ्रीक्वेंट ट्रैवल करती हैं या कोई मर्द हजरात भी अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वही बैग्स है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। उमर भाई से पूछते हैं, उमर भाई इधर आए, ये देखें ये वाले बैग्स मैंने लास्ट टाइम भी देखे थे, ये वाले बैग्स आप मुझे दिखाइएगा। ये छोटा है, ये बड़ा साइज है। मिसाल के तौर पर दो मियाँ बीबी है, कपड़ा चेंज करना चाहे वो भी रख सकते हैं। ये देखिए इसमें भी शूज़ पार्टीशन भी है, इसमें भी शूज़ पार्टीशन, ये शूज़ पार्टीशन है। आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे इसमें, आपके शूज़ वगैरह आ जाएंगे। इसमें भी कलर आपको मिल जाएगा, इसमें दो कलर तो हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। वो इसमें चार से पांच कलर मिलेंगे। अच्छा ओके, तीसरा भी है, ये देखिए ये भी है, ब्लैक और ब्राउन भी मिल जाएगा। और नो डाउट ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये जो नॉर्मल बैग्स होते हैं ख़वातीन के, ये देखें ये, और ये तो खैर मर्दों के वाले वो है ना, ये यूनिसेक्स होते हैं, मर्दों में भी चलते हैं लेडीज में भी चलते हैं। ये मुझे बताएं कि इनकी प्राइस क्या है?
इसकी 4500 इसकी 4000 है जी बिल्कुल भाई ये पहले इसकी 4500 इसकी 4500 ये जितने भी 4500 ये पूरी अच्छा ये पूरी जो है ना ये सीरीज जो है ये 4500 की है ठीक है मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑनलाइन चेक कर चुकी हूँ मुख्तलिफ स्टोर्स पे और ये लेदर बैग्स जो है ये 6000 से नीचे नहीं आते लेकिन अगर ये लेदर बैग्स आप जेनुइन शॉप से ले रहे हैं जहाँ पे आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर कोई मसला होता है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती और ये लेदर बैग्स ये वाले लेदर बैग्स जो हैं अगर ये 4500 के हैं तो नॉट अ बैड लेकिन ये कि अगर आप मेरे से रेफरेंस आएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो डिस्काउंट इसका मजीद मिल सकता है ठीक है इंशाल्लाह ये देखिए ये कौन से बैग्स हैं ये भी आईपैड वगैरह आपका इसमें आ सकता है ये आईपैड के लिए ओ वाओ आईपैड वाह जबरदस्त शॉर्ट स्टेप भी आईपैड से आ गया आपका बैग वगैरह भी आ जाएगा चार्जर भी आ जाएगा इसके अलावा ये बैग है ये देखें ये अच्छा ये बड़े साइज के बैग्स हैं यानी कि जो ये बैकपैक कहते हैं ये भी बैकपैक्स हैं अच्छा ये जो मदर्स हैं स्पेशली मेरे ख्याल है ये उनके लिए बड़े अच्छे हैं कि भाई एक ही बैग में अपना उनका सामान भी आ जाएगा ये देखें मुख्तलिफ कलर्स में ब्लैक में है पिंक में है और ये मुझे एक खोल के दिखा दें उमर भाई निकाल के दिखाएं क्योंकि मुझे ये लगता है इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये बैग पिंक वाला बैग आप मुझे दिखा रहे थे इसकी थोड़ी सी खोल के दिखाएं क्या है इसका आपका लैपटॉप आ गया अच्छा इसमें लैपटॉप के लिए ये लैपटॉप पार्टीशन है उसके अलावा ये देखें आप अंदर भी पॉकेट्स है ठीक है उसके अलावा आप अंदर भी पॉकेट्स जी बिल्कुल ये देखें ये जिप के साथ पॉकेट है मतलब आपका पर्सनल सामान वगैरह आ सकता है गुड ठीक है उसके अलावा एक ये पॉकेट है एक ये ठीक है अच्छा ये लेदर है ये लेदर प्योर है और इसकी क्या प्राइस है 7000 और ये कितने कलर इसमें ये हमारे पास है आपको 4-5 कलर मिल जाएंगे ब्लैक मिल जाएगा ब्राउन मिल जाएगा लाइट कलर है ब्राउन है और ये ब्राउन है ब्लू इसका भाई लग रहा है लेकिन ब्लू डिजाइन चाहिए और पिंक कलर मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा पिंक कलर मिल जाएगा और बाकी उसके अलावा भी कलर ठीक है अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि और क्या है यहाँ पर अच्छा जेंट्स के लिए ओह सॉरी जेंट्स के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है भाई जेंट्स के लिए वॉलेट्स भी हैं अच्छा ये बहुत सारे लोगों को ना बहुत ही नस्ली किस्म के वॉलेट्स रखने का बड़ा शौक होता है ये देखिए आप ये वॉलेट्स कितने के हैं ये तकरीबन 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद 1500 तक के हैं ना वो असल में क्वालिटी के ऊपर होता है ये देख रहे हैं ये 1500 का है इसमें कोई मुझसे कपड़ा वपड़ा नहीं लगा हुआ अंदर बिल्कुल वो है सिंपल लेदर में बना हुआ है लाइफ टाइम वाली चीज़ है ये भी लाइफ टाइम वाली चीज़ होती है अंदर कपड़ा होता है लोग पसंद करते हैं कि कपड़े वाला और कोई बगैर कपड़े वाला तो वो ये होता है और बाकी ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 1200 रुपये का अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा हिट डिज़ाइन कौन सा चल रहा है यानी हिट कलर कौन सा चल रहा है हिट कलर देखिए ये चल रहा है सबसे ज़्यादा ना अभी इस टाइम एक ये हो गया एक ये ब्राउन हो गया ठीक है ब्लैक तो जो है वो यूनिक कलर है वो तो लाइफ टाइम चल ही जाता है उसके अलावा ये मेहरून कलर है चॉकलेट ब्राउन है कलर तो बहुत सारे हैं और ये आपने मुझे बताया कि 1000 से 1500 के रेंज में ये देखिए आप वॉलेट का आप चेक करें ठीक है देख रहे हैं ये वॉलेट सही है जबरदस्त और इसके अलावा भी आपको मिलेंगे अच्छा ये लेडीज वॉलेट्स भी हैं ये अमर भाई ये लेडीज वॉलेट्स निकाल रहे हैं ये लेडीज वॉलेट्स अगर यार अगर मेरे पास भी एक लेडीज वॉलेट है स्पेशली जो कि मैंने यहीं से लिया था बल्कि मुझे प्रेजेंट किया था आसिम भाई ने वाओ ये तो टेक्सचर वाला है ना ये टेक्सचर वाला है और ये कितने का ये तकरीबन आपको पड़ेगा 2000 का वाओ अच्छा ये मोबाइल होल्डर वाला वो है इसमें आपके दो मोबाइल आ जाएंगे ठीक है ये देखिए आपकी ये डायरी आ गई है और इधर कैश आ जाएगा इधर आ जाएगा ये कार्ड आ गए इधर आपका कैश आ गया तो ये आपने कैरी किया इसमें आपका पासवर्ड भी आ सकता है मोबाइल भी आ सकता है ये देखिए मैं भाई ये खोल के दिखाएं ये चेक कर
है और इनकी इसकी प्राइस भी 2000 है? नहीं, इसकी 1800 रुपये में। इसकी 1800 है, इसकी 2500 रुपये, इसकी 2500 है, ये 2000 है, और ये भी 2000 रुपये। ये देखिए ठीक है, इसमें आपके मोबाइल और बाकी सामान आ गया, ये आपका कार्ड वार्ड आ गया, ये पॉकेट, अरे वाह, ये तो टू इन वन है यार, कार्ड अलग से भी आ सकता है, आ गई, मतलब इसमें काफी कैपेसिटी है जिसको, और ये कितने का? ये तकरीबन 2500 रुपए का, वैसे महंगा है 3000 का, आप यूनिवर्स के लिए ज्यादा 2500 यार। ये वाला जो है ना, ये मुझे लगता है कि वर्किंग वुमन जो है स्पेशली उनके बैग में ऐसा एक वॉलेट होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना डुओ है, यानी आपका मोबाइल भी आ रहा है, आपके कार्ड होल्डर भी है, आपका वॉलेट पर्स पैसे भी हैं। कभी कभी ना ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो ना हम एंड मतलब लास्ट मोमेंट पर ना बैग में ना बैग हाथ डाल के ना वॉलेट ही तलाश करते रह जाते हैं, मोबाइल बच जाए तो मोबाइल तलाश करना होता है, तो आपका बैग कितना भी भरा हुआ हो अगर उसके अंदर इस किस्म का एक वॉलेट होगा, या फिर स्पेशली जो मोबाइल वाला था ना, ये मोबाइल वाला एक कवर था इस किस्म का, तो बड़ा मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी सहल हो जाती है। मेरे पास एक वॉलेट जो है, मुझे यहीं आसिम भाई ने गिफ्ट किया था, वो मेरे पास है और वो मैं हमेशा जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी जो है वो हाइट पॉकेट्स भी हैं, तो वो मेरे काफ़ी काम आते हैं, उसके अंदर मैं तमाम चीज़ें रख लेती हूँ एक साथ ही, और वो मेरे जो भी बैग में ट्रांसफ़र करती हूँ सिर्फ वो एक चीज़ को ट्रांसफ़र करती हूँ एंड दैन एवरीथिंग करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए आप, इसमें भी वही कैपेसिटी है, ठीक है, इसमें एक ये पॉकेट आ गया, ये आ गया, इसमें आपके सारे कार्ड आ गए, ठीक है, उसके अलावा बंद किया, ये मोबाइल वगैरह का ऑप्शन, अरे वाह, ठीक है, और ये कितने का? ये तकरीबन 2500। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए आप, ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, अरे वाह, यानी मनी वो है ये, हाँ, उसके अलावा आप वैसे यूज़ करें, और यहाँ पे आप आ जाए शूज पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज के ज़माने में कितने लोग जो हैं वो लेदर के शौकीन हैं? लेकिन लेदर के शौकीन तो हर ज़माने में होते हैं, क्योंकि वो असल में चीज़ होती है कि लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ होती है, आपने एक दफ़ा पैसा लगाया आपकी लाइफ टाइम चलेगी, लेदर तो हर ज़माने में चलता हुआ है, और अभी इस टाइम जो नए लड़के हैं मिसाल के तौर पर 18-20 साल के, वो ज़्यादातर लेदर ही यूज़ कर रहे हैं, ये देखें आप डिज़ाइन चेक करें, जानवर लेदर नहीं है, शाइन क्यों है ये? असल में प्रोसेस होता है, केमिकल वगैरह लग के प्रोसेस होता है, तो उसके बाद ये शाइन। अच्छा, लोगों को मुझे लगता है कि लोगों को लगता होगा ये शाइन है तो ये लेदर नहीं है, ऐसा है? काफी लोग ये पूछते हैं ये रेजिन है शाइन है, तो हम बताते हैं कि भाई ये जानवर लेदर है, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ये देखिए अरिजिनल डिजाइन लिखा हुआ, ठीक है, नीचे भी ये देखिए आप, उसके अलावा ये देखिए, हां ये तो लग भी रहा है कुछ, ये क्या है? सारा लेदर में, ये क्रोकोडाइल है? ये क्रोकोडाइल नहीं, लेदर ही होता है पर इसका टेक्सचर क्रोकोडाइल का दिया हुआ है, ये देखिए, अच्छा ये तो कुर्ते सलवार वाला भी लग रहा है मुझे, ये ऐसे ही है, लेकिन इसको स्नेक टेक्सचर दिया है। अच्छा ये देखें, ये वाली सैंडल ना, ये है मेरे पास, ये मुझे ये है ना, मैं खासतौर पर पहनती हूँ जब मैं जीन्स पहनती हूँ, स्पेशली कहीं जा रही हूँ किसी ओकेजन या किसी इवेंट पे, तो बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया कि आप ना ये मर्दाना पार्टी क्यों पहनती हैं, तो मैंने उनको बताया कि कहीं लिखा कि ये मर्द पहनेंगे, इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग भी जो खातिन जीन्स पहनती हैं प्लीज़ ये पहन सकती हैं, और बहुत ही जो है ना एलिगेंट लगती है, पैर में बहुत एलिगेंट लगती है, उतनी कम्फर्टेबल है, क्योंकि ये एक तो लेदर में बनी हुई है, इसका जो सोल है ना वो भी बहुत कम्फर्टेबल है, तो मुझे बिल्कुल भी भारी लगता है, बहुत मज़े से मैं उसको जो है ना कैरी करती हूँ, उसके स्टाइल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये दिखाएंगे आपका लैपटॉप भी आ जाएगा, बाकी आपका सारा सामान आराम से आ जाएगा। कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर? इसमें कैपेसिटी काफी है, ये देखिए मैं लैपटॉप पार्टीशन भी निकाल के, तो आप लैपटॉप पार्टीशन हटाना चाहे तो हटा भी सकता है, इसके अलावा एक ये पॉकेट है, ये पॉकेट है, ये दो पॉकेट है, अलग अलग है, और ये आप अपने साथ जहाज भी लेके जा सकते हैं। ये भी काफ़ी एलिगेंट है, और ये व्हील वाली वो इसके साथ ट्रॉली भी है, तो बहुत ज़बरदस्त है यार। अगर आप इसे कैरी करना चाहें तो
अच्छा ये बैक साइड पे ये भी है, ये लैपटॉप इसमें रख सकते हैं? हाँ, इसमें लैपटॉप नहीं, इसमें सामान रख सकते हैं। लैपटॉप का पार्टीशन अंदर दिया गया है, ये देखिए आपका सामान आ गया। दिस ये देखिए आप, ये लेदर बैंड्स हैं सारी। अच्छा ये लेदर बैंड्स जो हैं, ये मुझे एक बात बताएं, ये जो चौराहों पे बैंड्स मिल रही होती हैं, जो 150 की, 200 की या 500 की मिल रही होती है, वो फिर कौन सी हैं? ये लेदर है? वो असल में रेक्सिंग होती है ना, बिल्कुल मकसद ये समझे कि वो ऐसी क्वालिटी होती है आप 2 महीने यूज कर सकते हैं। ये जो है ये लेदर होता है जेनवन ना, आप इसको कैसे भी यूज करें, कैसे भी फोल्ड करें, कुछ भी नहीं होगा। इसमें कलर वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और इसको जो है ये इसका लॉक जो है ना ये घूम जाता है। और मैं इसका ब्लॉक घुमा के दिखाएं, अभी हमने मेरे सामने घुमाया था। अरे वाह यार, जबरदस्त। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी तकरीबन आपको 1500 वन साइड में ये लेंगे तो ये तकरीबन 1000 का है। ये 1000 का इसमें क्वालिटी है, फिर उसके बाद 2000 के लिए अलग अलग। या यहाँ जो है ना, मैंने अब आपको दिखाया खवातीन की जैकेट्स तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको ये दिखाया कि खवातीन की जैकेट्स में खवातीन के बैग्स भी, यहाँ पे फर वाले कोट्स भी हैं और फर वाले हैट्स भी हैं, वॉलेट्स भी हैं, जेंट्स वॉलेट्स भी हैं, फीमेल वॉलेट्स भी हैं, डफल बैग्स भी हैं, ट्रैवल बैग्स भी हैं और लैदर शूज़ भी हैं। जो कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये लैदर शूज़ जो हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, मुझे बहुत डिफरेंट लगा। लेकिन फिर वही बात है, ये आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। मुझे तो ऑब्वियसली मैं जो है पर्सनली करती हूँ, अब अगर मुझे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है तो मैं अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहूँगी, अच्छी चीज़ पर खर्च करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हम जैसे जितनी मजदूर टाइम गुजार है ना, उसमें ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदार चीज़ होगी, क्योंकि फ़ायदार चीज़ अगर चाहिए तो फिर लेदर से अच्छी चीज़ भी हो नहीं सकती। इजाज़त, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा हाँ ये वाली बात, आप जब भी यहाँ पे आएंगे आप नारिश वाले के रेफरेंस देंगे तो आप मिलेंगे, ठीक है? मैं लूँगी आपसे यहाँ पर से इजाज़त, टिल माय नेक्स्ट व्लॉग।